हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सेलर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जहाज पे क्या क्या इमरजेंसी अलार्म होते हैं और जहाज करना होता है, और अलार्म का जो होता है वो इंडिकेशन क्या क्या क्यों होता शुरू है। करने से लाइक पहले अगर कीजिए, जाने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, अलग से अलग टाइप के इमरजेंसी के लिए अलग अलग टाइम के अलार्म होते हैं। जैसा कि मैं, एक कॉमन अलार्म होता है जनरल अलार्म। जनरल अलार्म में होता है दोस्तों, 7 शॉर्ट ब्लास्ट फॉलोड बाय 1 लॉन्ग ब्लास्ट। ब्लास्ट तो तो इसका मतलब है कि जनरल इमरजेंसी है, और जब भी ये अलार्म बजेगा तो सारे जहाज शिप्स क्रू को सीधे मस्टर स्टेशन में जाना होता है। अभी मस्टर स्टेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि मस्टर स्टेशन जो होता है, जहाज का एक डेस्टिनेशन प्लेस होता है जहाँ पे सारे बंदों को आकर इकट्ठा होना होता है। वो मस्टर जहाज के स्टेशन अंदर सारे बंदों को मालूम होना चाहिए। वहीं पर जाके फिर कौन सा इमरजेंसी है उसके लिए हम दूसरा होता है दोस्तों, कंटिन्यू रिंगिंग बेल। अगर जहाज में कंटिन्यू रिंगिंग बेल का अलार्म बज रहा है तो इसका मीनिंग होता है कि दोस्तों, जहाज में कहीं पे फायर लग गया है। उस कंडीशन में भी सारे बंदों है को और फिर ढंग से वहां जाना पे हेड काउंट होता है। हेड काउंट का मतलब है दोस्तों कि जितने जहाज में क्रू हैं सारे बंदों ने वहां अटेंड होना चाहिए। उसके बाद फायर कितना बड़ा है उस सब के बारे में डिस्कस होता है, और फायर के उसके लिए भी बाद बंदों की ड्यूटी होती है। किसी की ड्यूटी होती है कि फायर होज लगाना, फायर फायर फाइटिंग करना, किसी का होता है कि फायर एक्सटिंग्यूशर से यूज करना, किसी का ड्यूटी होता है फायर कि आउटफिट पहन के, जो फायर प्रूफ जैकेट होता है, वो सारे कपड़े, जो फायर मैन आउटफिट होता है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फायर मैन आउटफिट पहनने के बाद फायर फाइटिंग करने के लिए जाना। उसके लिए और दूसरा अलार्म होता है अबंडन शिप। जो जहाज का एबंडेंस कप्तान होता है वही उसको अपने वर्बल ऑर्डर से देता है। वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि उसमें उसका मीनिंग है कि अब हम लोग जहाज पे रुक नहीं सकते, जहाज अनसेफ है, तो जहाज इसको के को लिए वो छोड़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो हमारा अलार्म होता है, जब कोई मैन ओवरबोर्ड हो गया, यानी कोई आदमी जहाज से पानी में गिर गया, तो उसके लिए ट्राई करेंगे। दोस्तों, ये तो हो गए अलार्म। अब मैं बात करता हूँ कि जहाज पे जब भी अलार्म बजता है तो हमको एक लाइफ जैकेट लेके जाना होता है। लाइफ जैकेट लेके इसलिए जाना होता है कि हम जब सडनली अलार्म बजता है तो हम लोगों को मालूम नहीं रहता है कि कौन सा इमरजेंसी है, क्या है और क्या नहीं। उसके लिए हम सारे लोग अपना फुल पीपी, पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हो गया हेलमेट, हो गया आपका ग्लव्स, हो गया गूगल्स, हो गए कवरऑल, हो गया शूज, हो गए, वह सब चीजें पहन के और अपना लाइफ जैकेट लेके हमको जाना होता है मास्टर स्टेशन पर। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों लाइफ ये ये है लाइफ जैकेट। इस लाइफ जैकेट को पहनने का जो टाइमिंग होता है वो 1 मिनट के अंदर ही लाइफ जैकेट पहन लेना चाहिए होता है। ये दोस्तों उसका स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये है दोस्तों स्ट्रिप, और ये हम लोगों खोलो ने लेना इसको है। इसको लेने के बाद दोस्तों ये है लाइफ जैकेट। इसको आपने ये पकड़ना है, जो ये इसके ये हैं, ये स्ट्रिप को पकड़ लेना है। स्ट्रिप को पकड़ने के बाद उसको आपको इसको ऐसे ऐसे डाल देना है। इसका पहनने का टाइमिंग होता है 1 मिनट। और ये जो पीछे से जो इधर रोप, ये लाइन है, इसको ऐसे टाइट करके यहाँ फंसा देना है, और टाइट हो जाता है। इसको कहते हैं लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट क्यों पहनते हैं उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। बाद जब लाइफ हम जैकेट। पानी में कूदते हैं तो ये लाइफ जैकेट आदमी को डूबने नहीं देता है। इसके लिए लाइफ जैकेट दोस्तों पहना जाता है। लाइफ जैकेट में एक तो ये होता है, रेडियम के फीते हैं, क्योंकि अंधेरे में इस चमकते हैं, तो कोई दूसरा जहाज अगर हम लोग इमरजेंसी में पानी में कूद गए, लाइफ बोट में जाके कूद गए, या फिर बिना लाइफ बोट के हमें कूदना लाइट पड़ा, तो देखेगा कोई दूसरा जहाज तो इस पे लाइट आता है, ये स्ट्रिप्स है, इनमें लाइट आती है, तो दूसरा जहाज देखता है और इंडिकेशन करता है ये आदमी है क्या क्या है करके। दूसरा होता है आपके लाइफ जैकेट में, ये दोस्तों ये है, पानी में जाते एक्टिवेट हो जाती है। देखिए, इसको टेस्ट करने के लिए अपना हाथ गीला करना पड़ता है, और ये देखिए ऐसे ये लाइट ऑपरेट हो जा रही है। लाइट भी इस पानी में जाके जलती है जब रात का टाइम होता है, तो कोई दूसरा जहाज हम लोगों को देखे, और हमारा लाइफ जैकेट का यूज किया जाता है, और इसमें लाइट का यूज होता है। दोस्तों, दो चीज मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, एक ये रेडियम की फीते लगे होते हैं, दूसरा होता है ये लाइट। लाइट को कैसे टेस्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया कि हाथ आपने गीला गीला कर लेना है, और हाथ गीला करके इसको ऐसे जला देना है। ये पानी में जाने से पहले ये सब चीजें चेक होती हैं। तीसरा चीज है दोस्तों, ये है वी सेल, ये एक सिटी है, सिटी को
बजाने के लिए होती है, क्योंकि जब कोई हमारे आसपास जा रहा होता है या फिर सार्क वार्क का भी खतरा होता है पानी में, तो उस टाइम पे इसको बजाते हैं। और तीसरा मेन चीज है दोस्तों, इसमें और क्या क्या चीज होता है, इसमें जो होता है दोस्तों, सिर्फ हमारे शिप का नाम, हमारे पोर्ट ऑफ रजिस्टर, जहाज का नाम, जहाज का पोर्ट ऑफ रजिस्टर कौन सा है, जहाज में कौन सा फ्लैग में जहाज चल रहा है, ये सब चीजें इसमें लिखी होती हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें ये सब चीजें इसलिए लिखी रहती हैं क्योंकि जब भी हम अगर बाई चांस ऑन आउट बोर्ड हो गए और हमको किसी ने रेस्क्यू नहीं किया और बाई चांस कुछ कैजुअलिटी और कुछ अगर हो हो जाते लोग हैं मिलेंगे, तो फिर वो हमारा आइडेंटिफिकेशन तो वर्ड पे या ऐसे तो कुछ लिखा नहीं होगा, तो ये लाइफ जैकेट में ही सर्च करने के बाद वो जहाज जहाज का के नाम बारे वो में। सर्च करेगा तो कंपनी का नाम भी आ जाएगा, कंपनी के नाम के हिसाब से वो हमारा आइडेंटिफिकेशन कर सकता है दोस्तों। तो ये आपको काफी पसंद आई होगी लाइफ जैकेट के बारे में। तो वीडियो अगर नेक्स्ट पसंद पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब